हेलो नमस्कार दोस्तों, आई एम फेगु। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ताबड़तोड़ स्टडी सेंटर में। सो दोस्तों, आज हम प्रोनाउन को देखने वाले हैं, जिसमें आज हम देखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद जो इम्फेटिक प्रोनाउन है उसे भी आज हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन को देखते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? जब दो प्रोनाउन साथ साथ होते हैं तो वह रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या? जब दो प्रोनाउन एक साथ होते हैं तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, मोहन एंड सोहन। क्या? मोहन एंड सोहन लव ईच अदर। क्या? मोहन एंड सोहन लव ईच अदर। तो यहाँ पे देखिए, ईच अदर जो है ये दो प्रोनाउन एक साथ आए हुए हैं, इसलिए यह रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। दूसरा एग्जांपल क्या है मेरे प्यारे दोस्त? दूसरा, द बॉयज हेल्प्ड। क्या? द बॉयज हेल्प्ड वन अनदर। क्या? द बॉयज हेल्प्ड वन अनदर। तो दोस्तों, ये दोनों एग्जाम्पल है रेसिप्रोकल प्रोनाउन को। यहाँ भी दो प्रोनाउन एक साथ आए हैं, इसलिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब दोस्तों हम देखेंगे इसके यूजर कहाँ कहाँ पे होते हैं, जैसे कि ईच अदर का हम प्रयोग कहाँ पे करेंगे और वन अनदर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। तो चलिए इसे फटाफट से हम देख लेते हैं, फिर चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो सबसे पहले संकेत इसका क्या है मेरे भाई? दो व्यक्तियों व वस्तुओं के लिए, क्या? दो व्यक्तियों व वस्तुओं के संबंध में ईच अदर का प्रयोग करते हैं। क्या? दो व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध में ईच अदर का प्रयोग करते हैं। और दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध में वन अनदर का प्रयोग करते हैं। क्या? दो व्यक्तियों से जब अधिक हो गए तो हम वन अनदर का वहां पर प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसे एक बार और हम बता देते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जब दो प्रोनाउन एक साथ होते हैं तो उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां पे दो व्यक्तियों से या वस्तुओं से संबंध में ईच अदर का हम प्रयोग करते हैं। और दो व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध, मतलब दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के संबंध में वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है इम्फेटिक प्रोनाउन। सो दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? अगला कॉन्सेप्ट हमारा 9 नंबर का, क्या? 9 नंबर का इम्फेटिक प्रोनाउन है। क्या मेरे भाई? एम्फेटिक प्रोनाउन है। चलिए हम इसे देखते हैं फिर। ये कर्ता पर दबाव डालते हैं। क्या? ये जो है एम्फेटिक प्रोनाउन, ये कर्ता पर दबाव डालते हैं। ये प्रोनाउन सदैव नॉमिनेटिव केस में होते हैं, मतलब कि कर्ता कारक में होते हैं। इसका कार्य क्या है? ये कर्ता पर दबाव डालते हैं, प्रोनाउन सदैव, क्या? ये प्रोनाउन सदैव नॉमिनेटिव केस में होते हैं। प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ लगाते हैं, परंतु यह पराया क्रिया से पहले आते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है मेरे भाई? जैसे कि यह इन प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ लगाते हैं, परंतु यह पराया क्रिया से पहले आते हैं। हमने देखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ और सेल्फ क्रिया के बाद आते थे, लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउन में ये सब क्रिया के पहले आ जाएंगे। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। He himself did so. क्या? He himself did so. उसने स्वयं ही ऐसा किया था। क्या मेरे भाई? उसने स्वयं ही ऐसा किया था। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? I myself did it. क्या? I myself did it. मैंने या स्वयं किया। क्या? मैंने या स्वयं किया। She herself says so. क्या? She herself says so. मतलब स्वयं ही ऐसा कहती है। क्या मेरे भाई? वह स्वयं ही ऐसा कहती है। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि जितने भी वर्ड आए हैं सेल्फ या सेल्फ्स का, वो क्रिया के पहले आए हैं। जैसे कि क्रिया के पहले यहाँ भी आगे, और क्रिया के पहले यहाँ भी आगे, और क्रिया के पहले यहाँ भी आगे। सो दोस्तों, इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? ये जो है कर्ता पर दबाव डालते हैं और हमेशा क्रिया के पहले आते हैं। ये जो होते हैं सेल्फ या सेल्फ लगाकर बनाए जाते हैं। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं, इम्फेटिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अंतर क्या होता है। चलिए हम उस पर चलते हैं। सो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। चलिए हम उसे देख लेते हैं। इसके 3 इंपॉर्टेंट रूल है। पहला क्या है मेरे भाई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ होता है अपने आप। क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ होता है अपने आप, और परंतु
एम्फेटिक प्रोनाउन में सर्फ का अर्थ होता है स्वयं। इसमें क्या डिफरेंस है मेरे भाई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ जो होता है वो अपने आप होता है, और एम्फेटिक प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ जो होता है वो स्वयं होता है। दूसरा रूल क्या है मेरे भाई, इसका एग्जांपल पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है, आई कैन डू इट माई सेल्फ। क्या? आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं इसे अपने आप कर सकता हूं। क्या? मैं इसे अपने आप कर सकता हूं। यहां पे दिखाई दे रहा है अपने आप। और दूसरा क्या है मेरे भाई, दूसरा क्या है एग्जांपल? यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जांपल है। दूसरा क्या है, आई माई सेल्फ कैन डू इट, आई माई सेल्फ कैन डू इट, ये इम्फेटिव प्रोनाउन है, इसका अर्थ है मैं इसे स्वयं कर सकता हूं। क्या मेरे भाई, मैं इसे स्वयं कर सकता हूं। तो यहां पे स्वयं दिखाई दे रहा है। क्या? मैं इसे स्वयं कर सकता हूं। चलिए दूसरा रूल हम देखते हैं मेरे भाई। दूसरा रूल क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रिया के बाद आता है। क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है सदैव क्रिया के बाद आता है, परंतु इम्फेटिक प्रोनाउन है, जो इम्फेटिक प्रोनाउन है वो क्रिया के पहले आ जाता है। क्या? क्रिया से पहले तथा संबंधित प्रोनाउन के तुरंत बाद आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रिया के बाद आता है तथा इम्फेटिक प्रोनाउन क्रिया के पहले आ जाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे आई कैन डू इट माई सेल्फ। क्या? आई कैन डू इट माई सेल्फ, यहाँ पे क्रिया के बाद माई सेल्फ आया है। यह हो गया रिफ्लेक्सिव का उदाहरण। और एम्फेटिक का उदाहरण क्या है मेरे भाई, आई माई सेल्फ मतलब कि आई माई सेल्फ कैन डू इट, मतलब यहाँ पे क्रिया के पहले माई सेल्फ आ गया। तो यही इन दोनों में यही डिफरेंस है। तीसरा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस। क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस सदैव ऑब्जेक्टिव केस में होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो केस होता है सदैव ऑब्जेक्टिव केस में होता है, जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन का केस सदैव नॉमिनेटिव केस में होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों आज प्रोनाउन पूरा खत्म हो चुका है, तो हम इसका एक वीडियो और लाएंगे, क्विक रिविजन होगा, मतलब वन शॉट विद इन 5 to 10 मिनट पूरे प्रोनाउन को एक बार हम और रिवाइज कराएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।